जगदलपुर शहर में नगर निगम के द्वारा बनाए गए गुमटियों का इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने पिछले एपिसोड में देखा था। और आज इस विषय को लेकर के हम लोग पहुंच गए थे नगर निगम, और नगर निगम आयोग से इस विषय हमने चर्चा की, उनको अवगत करवाया कि किस प्रकार से जगदलपुर में निगम की कॉम्प्लेक्स को लेने के बाद उसे किराए पे चढ़ाया जाता है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन लोगों को वह उपलब्ध होनी चाहिए थी, जिन जरूरतमंदों को वो कॉम्प्लेक्सेस और गुमटी उपलब्ध होनी चाहिए थी, उन्हें वो नहीं मिल करके कुछ ऐसे लोगों को मिल गया है जो कि उसका दुरुपयोग करते हैं, किराए पे चढ़ाने के हिसाब से उसको एक जो है कारोबार बना चुके हैं, किराए का कारोबार। सुनिए इस पर नगर निगम आयुक्त ने क्या कहा है। जिनको गुमटी अलॉट हुई है उनके जगह कोई दूसरे किराएदारों के द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसकी नगर निगम की जांच करेगी? इसकी पहले से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, आप लोग के माध्यम से ये शिकायत प्राप्त हो रही है। निश्चित तौर पे इस विषय पे जांच की जाएगी, और यदि इसमें पाया जाता है कि जिसको आवंटित है घुमटी आवंटित है उसके अलावा उसके जगह पर कोई दूसरा संचालित कर रहा है तो नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पे जो गुमटी बनाई गई है, यहाँ के स्थानीय लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिनको दुकान लगा के अपने जीविका यापन करने के लिए जो ज़रूरत है उनके लिए निगम ने ये गुमटी बनाई हुई है, लेकिन कुछ पैसे वाले जो व्यक्ति हैं उस गुमटियों को खरीद के अपने नाम में करवा के उनको किराए भाड़ा पे लगाए हैं, जिससे जो स्थानीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वाकई में अपने जीविका यापन के लिए छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं या ठेला लगाते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं उनके साथ ये शोषण हो रहा है। और ये निगम प्रशासन पूरा देखते हुए उनके साथ मिलीभगत इसमें पूरी नजर आती है, कहीं ना कहीं ये कमीशन का खेल चल रहा है। जिन लोगों ने ये गुमटियां खरीदी हैं उनके साथ ये साठगांठ किए हुए हैं, जिसके कारण से ये जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनको इन सहायता नहीं मिल पा रही है, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, हम अभी इस मामले को लेके जितने भी जो लोग हैं उनके साथ हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत करके इस पे हल निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गुमटियाँ उनको मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास अगर संख्या बल के साथ ये स्थिति आती है कि हमको गुमटियाँ मिलनी चाहिए और हमारे स्थानीय लोग ये मांग करते हैं, तो बिल्कुल हम स्थानीय लोगों के लिए इसको भी एक जन आंदोलन का रूप देंगे। देखिए तो ये स्पष्ट है कि नगर सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है, ये कहना इसलिए गलत नहीं है कि गुमटियों का खेल और इस खेल में संलिप्त बड़े बड़े नाम, इन विषयों पर लगातार जो है ना केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि समय समय पर बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा भी निगम के समक्ष आपत्तियां दर्ज की गई, पर यह समझ से परे है कि किसी योजना के तहत बनाई गई ये गुमटियां जो एक तरह से इस योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राही को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए दिए गई थी, उसका उपयोग कैसे हजारों रुपए के किराए के रूप में वसूल कर किया जा रहा है। मेरा तो आप लोगों के माध्यम से यह निवेदन है कि निगम के जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के समक्ष आप इस सवाल को जरूर उठाएं कि जिनको इन ये गुमटियां निगम के कागज में दी गई हैं उनका नाम भी उन गुमटियों के सामने लिखा जाए, ताकि जनता को यह स्पष्ट हो जाए कि क्या जिसे गुमटी इस योजना के तहत दी गई थी उसके द्वारा उस गुमटी का संचालन हो रहा है, उस योजना के अंतर्गत हो रहा है, या उस योजना का लाभ उठाने के लिए और उसके बाद बड़े बड़े किराए का मलाई खाने के लिए इन गुमटियों को किराए में चढ़ा दिया गया है। यह बिल्कुल गलत है, और निगम अमले को और निगम के जनप्रतिनिधियों को यह बात संज्ञान में लेनी होगी, क्योंकि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब इन गुमटियों के मामले को लेकर जोर शोर से सड़कों पर वार्डों पर इन मुद्दों को उठाया जाता था, और वो पार्षद जो उस समय विपक्ष में थे आज वो सत्ता पक्ष के MIC के बड़े बड़े पदों पर विराजमान है, तो अब ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब वो उस समय के सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाते थे तो आज उन आरोपों को दरकिनार कर उसे ठंडे बस्ते में डाल इस तरह का नियम विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का मादा क्यों नहीं जुटाते।